मॉनसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन के साथ ही नदी नाली भी उफान पर हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर देहरादून जिले सहित आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो आज 29 जुलाई आपकी हो रही है और देखें कि जो बारिश की एक्टिविटी लगातार नॉर्मल तो हमको मिल ही रही है और उसके साथ हैवी रेन्स भी तक हमको मिल रही है। पास 24 आवर्स में भी हमको जो हैवी रेन्स है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में मिली है, बागेश्वर में मिली है, तो इस तरह की एक्टिविटी चली रही है और लाइट से मॉडरेट तो जो है ज़्यादातर जगहों में वो मिल रही है। अब आगे अगर बात करते हैं आज 29 तारीख है तो आज भी अच्छी एक्टिविटी मिलने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें हल्की मध्यम बारिश रहेगी और जो हमारे फुटेल के अलावा के डिस्ट्रिक्ट है उनमें तो ज़्यादातर जगह दिख रहा है कि बारिश रहेगी और मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ भी अनेक जगहों तक में आ गया। जब हम वार्निंग पे जाते हैं अगर आज 29 तारीख के लिए बात करें तो ऑरेंज में हमने जो है वार्निंग देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए रखी है जिसमें हैवी से वेरी हैवी रेन की संभावना है और इसी तरह जो हैवी रेन से उसमें टेहरी पौड़ी नैनीताल चंबावत इनको रखा गया और अंदर अगर बात करें तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को वो रखा गया है। कल जब आप जा रहे हैं तो एक्टिविटी बढ़ रही है तो जो हमारे देहरादून टेहरी पौड़ी नैनीताल चंपावत या हरिद्वार और इसी तरह उधमसिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है इनमें हैवी से वेरी हैवी इन सभी डिस्ट्रिक्ट में वो दिख रही है एक्टिविटी की इस तरह की मिलेगी।